श्रावण मास में ये खास काम अवश्य करने चाहिए। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्त, समय निकालकर वीडियो को अवश्य देखें। शुरुआत करने से पहले भोले बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्रावण मास पांचवा हिंदू महीना होता है। श्रावण मास आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दौरान पड़ता है। हम सभी लोग इसे सावन और श्रावण मास के नाम से जानते हैं। इस वर्ष श्रावण मास 22 जुलाई से आरंभ हो रहा है। हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास सबसे शुभ महीना माना गया है और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का यह सबसे खास माह माना जाता है। इस पूरे मास में भगवान शिव की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। तो जानते हैं वो खास काम कौन से हैं जो हमें श्रावण मास में अवश्य करने चाहिए। नंबर एक, श्रावण मास में जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके इससे मन को शांति मिलती है। नंबर दो, श्रावण मास में गरीबों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर तीन, श्रावण मास में घर में पार्द के शिवलिंग की स्थापना करें, लेकिन योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर स्थापना करें, प्रतिदिन पूजा करें, इससे व्यापार में वृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। नंबर चार, श्रावण मास में मास भर आटे से, पूरे माह आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका जल अभिषेक करें, इसको करने से संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। नंबर पाँच, शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। नंबर छः, श्रावण मास में 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इसको करने से इच्छा पूरी होती है। नंबर सात, श्रावण मास में भगवान शिव का ध्यान करते हुए मछलियों को आटे की गोली खिलाएं, इससे धन की प्राप्ति होती है। नंबर आठ, श्रावण मास में भगवान शिव को तिल और जौ चढ़ाएं, तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। नंबर नौ, शादी विवाह में यदि अड़चन आ रही है तो श्रावण मास में शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह का योग बनेगा। नंबर दस, श्रावण मास में नंदी को हरा चारा खिलाएं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखें।